अच्छा, इससे पहले जो लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इंट्रोडक्शन के बाद हमने काफ़ी सारी हिस्ट्रीज की देखी थी, जो कि यानी कि हमने शुरू से देखा था, स्टार्ट से, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो चीज़ें थी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे 2019 तक आए थे, जिसमें इमेजेस की बात हो रही थी, जो कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हॉट टॉपिक है, आप समझ रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन, और इस पे हमने बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले हम ग्रेडिंग का मैं फिर बता देता हूँ, ताकि ये स्लाइड्स में मैंने इसलिए रखा है ताकि आप उस सबको वाजे हो जाए, जो मेरी वीडियोस देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि असाइनमेंट्स के हम 10 नंबर रखेंगे, क्विजेस जो होंगे वो 5 नंबर के होंगे, फाइनल प्रोजेक्ट जो होगा वो 10 नंबर का होगा, 25 नंबर ये आगे, और मिड टर्म एग्जाम जो है वो 25 का है, और फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो 50 का होगा। आज जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, कि थ्रू आउट दिस कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि इस कोर्स में, इस सारे कोर्स में हम कहीं ना कहीं जाके रिप्रेजेंटेशंस को हम डिस्कस करेंगे। द रीजन फॉर दिस इज दैट इन ऑर्डर फॉर ए कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट रिलेट्स टू द रियल वर्ल्ड, इसकी वजह यह है कि हम जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज करेंगे सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस के लिए, तो हमें रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम के साथ उसको रिलेट करना होगा, दैट रिलेट्स टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जो कि ऑलमोस्ट रिलेटेड होते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशंस को, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम के साथ। सो इट फर्स्ट नीड सम वे टू रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड इंटरनली। इन डीलिंग विद दैट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन द कंप्यूटर इज देन एबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, द रिप्रेजेंटेशन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। In other words, the way in which the computer represents a problem, the variables it uses, and the operators it applies to those variables can make the difference between an efficient algorithm and an algorithm that doesn't work at all. तो हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब हम representations करेंगे, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे, तो इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि हम कौन सा एल्गोरिथम जो है वो एफिशिएंट है और कौन सा एल्गोरिथम जो है वो डजंट वर्क एट ऑल, जो कि काम नहीं कर रहे उस सेम प्रॉब्लम के लिए। तो जनरेट एंड टेस्ट की अगर बात की जाए, तो दिस इज ए टेक्निकल नेम गिवन टू द क्लासिकल वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वेयर वी जनरेट डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम। हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जनरेट एंड टेस्ट की अगर हम एग्जांपल लें, तो हम कहीं ना कहीं पे इसको रियल वर्ल्ड में भी यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह बैग्स जो होते हैं उसमें हेड एंड ट्रायल का ऑप्शन होता है, जो बटन्स होते हैं, अगर इस टाइप के बैग्स हों जिनमें 3 बटन लगे हों, तो 1 1 1 मैच कर जाए तो बैग खुल जाए, नहीं तो ना खुले, इस तरह के, यानी कि हेड एंड ट्रायल जो जनरेट एंड टेस्ट को उस हम इस सेंस में देख रहे हैं। दिस इज अ टेक्निकल नेम गिवन टू द क्लासिकल वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वेयर वी जनरेट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम एंड द वन विच सॉल्व्स द प्रॉब्लम इज टेकन एज द करेक्ट सॉल्यूशन। जो हमारा यानी कि प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये करेक्ट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। The rest of the combinations that we try are considered as incorrect solution and hence are destroyed. यानी के जो हम जिस तरह मैंने एक एग्जांपल ली है, बैग का पासवर्ड रखा हुआ है, तो हम हेट एंड ट्रायल का रूल अप्लाई करते हैं, तो अगर वो तो तीनों मैच कर जाते हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सोल्यूशन है।
अगर वो मैच नहीं कर रहे, वो 1 2 3 आ रहा है, या वो मैच नहीं कर रहा किसी बटन पे, अगर 1 1 1 कॉम्बिनेशन हमने रखा हुआ है, तो 1 2 3 अगर कहीं पे आ रहा है, तो दिस मीन के हमारा जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, यानी कि वो सोल्यूशन नहीं है, वो इनकोरेक्ट सोल्यूशन था. तो करेक्ट सोल्यूशन क्या होगा, जो हमने उसको अगर जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट सोल्यूशन होगा. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि एक सोल्यूशन जनरेटर है यहाँ पे, जिस तरह मैंने एग्जांपल ली है आपको पहले भी बता दी, एक बेग की एग्जांपल ली है. तो पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास कौन से हैं, ये वाले हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस. और टेस्टर जो लगा हुआ है, टेस्ट करने वाला है, जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं इस इन सॉल्यूशन पॉसिबल सॉल्यूशंस को, तो यहाँ पे ब्लैक बॉल्स आप देख रहे हैं कि टेस्टर ने चेक किया है कि ये पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, तो ये इनकरप्ट सॉल्यूशंस हैं, तो वो बिन में चली गई हैं. और जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ग्रीन बॉल्स आप देख रहे हैं, तो वो ग्रीन बॉल जो है वो करेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. तो हमारा जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉसिबल जो सॉल्यूशंस बन रही हैं वो ग्रीन सॉरी जो करेक्ट सॉल्यूशन बन रही हैं वो ग्रीन बॉल्स बन रही हैं, और जो ब्लैक बॉल्स हैं यहाँ पे वो हमारी इनकोरेक्ट सॉल्यूशंस होंगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. अब यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली चीज है वो है सिमेंटिक नेट्स. सिमेंटिक नेट शायद आपने पहले भी इसका नाम सुना हो. द सिमेंटिक नेट इज ए कॉमनली यूज रिप्रेजेंटेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कॉमन रिप्रेजेंटेशन है, कॉमनली यूज हो रही होती है ये वाले नेट्स जो सिमेंटिक नेट होते हैं. ए सिमेंटिक नेट इज ए ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स दैट आर कनेक्टेड बाय एजेस. जिस तरह आप अल्गोरिथम्स में या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में आप पढ़ चुके हैं, या आप नेटवर्क्स में आप पढ़ चुके हैं कि कुछ ना कुछ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क्स पे अगर एक साइट से दूसरी साइट पे कोई कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, या फिर कोई और चीजें आपस में कनेक्ट हैं, कोई प्लेसेस आपस में कनेक्ट हैं, तो उन प्लेसेस के कनेक्ट होने को हम, जो प्लेसेस होंगी उनको हम नोड्स कहेंगे, और जो उनको कनेक्ट जो चीजें कर रही हैं उनको हम एजेस कहेंगे. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिमेंटिक नेट में भी यूज हुआ है कि जो हमारे कुछ नोड्स होंगी और कुछ एजेस होंगी, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो नेट बना है वो क्या बना है. द नोड्स रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स. जो नोड्स होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड द लिंक्स बिटवीन नोड्स रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स. जो एक तो आ गई नोड्स आपकी, ए बी सी डी कुछ भी नोड्स पड़ी हुई हो, आप प्लेस कह लें उनको, कोई प्लेसेस हैं जो कि डिफरेंट साइट्स पे हम उनको मेंशन किया हुआ है, और जो उनके दरमियान आपस में लिंक्स होंगे उनको हम कहेंगे ये रिलेशनशिप्स हैं. उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो नोड्स पड़ी हुई हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं. द लिंक्स आर यूजुअली लेबल्ड टू इंडिकेट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप्स. जो लिंक्स होंगे उनको हम यूजुअली यही कहेंगे कि ये रिलेशनशिप नेचर से हैं, कि किस नेचर में वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डॉग, फिडो, बॉब, बिल्डर, चीज, माइस, फंग. अच्छा, कुछ लोगों का स्लेट का इश्यू आ रहा है, तो ये मीटिंग आईडी है, मैं शेयर कर देता हूँ. और ये पासवर्ड है उसका. जो लोग अगर कनेक्ट नहीं हो रहे, स्लेट से प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो एज ए क्वेस्ट आ सकते हैं. तो यहाँ पे आप नोड्स देख सकते हैं, और आप जो रिलेशनशिप्स हैं उनके आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, कि अगर कहा जाए कि फीटो इज ए डॉग,
यहां से बॉब का जो रिलेशनशिप है वो ओन्स डॉग, और बॉब का एक और रिलेशन है ही इज ए बिल्डर, एंड बॉब का तीसरा जो रिलेशन है वो ईट्स चीज, और जो चीज है वो माइस भी ईट कर रहा है। यानी कि इस नोड पे बॉब भी कनेक्ट हो रहा है और माइस भी कनेक्ट हो रहा है, ये दोनों जो हैं वो चीज खा रहे हैं, यानी कि चीज खाते हैं। तो बॉब जो है वो बिल्डर भी है, बॉब ओन्स फीडो भी है, फीडो क्या है वो डॉग है, फीडो चेसिस फंग, फंग क्या है वो कैट है। तो फंग जो है वो माइस, यानी के माइस को वो उसका शिकार करती है, यानी के उसको खाती है। तो अगर माइस को देखा जाए वो क्या खाता है, चीज खाता है। तो इस रिलेशनशिप से हम ये जान सकते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉमनली यूज होता है, इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं नोड्स, और जो रिलेशनशिप्स उन नोड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स होती हैं, इनसे हम इजीली जान सकते हैं कि यानी के कौन सी चीज किसके साथ कनेक्ट है, किस चीज का किसी दूसरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, डॉग कैट बॉब बिल्डर चीज माइस फीडो और फंग, ये क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन एक ऑब्जेक्ट्स का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप क्या है, तो ये हम इजीली इससे जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अगर हम बड़े प्रॉब्लम की तरफ आते हैं तो जिसमें कनेक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हैं टॉयड हुफर्ड जो है, इवन टॉयड हुफर्ड ये एक मैमल है, इज ए मैमल। मैमल क्या होता है, ये एक एनिमल होता है, मैमल इज ए एनिमल। तो यहां पे अगर देखें तो स्विम आ रहा है, क्या चीज, एनिमल क्या है, फिश जो है वो एक एनिमल है, फिश का एक और रिलेशनशिप है, फिश कैन स्विम। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्विम है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो फिश है, फिश का इसके साथ क्या ताल्लुक है, वो स्विम कर सकती है, और फिश जो है, फिश इज ए बोनी फिश, बोनी फिश जो है उनका रिलेशनशिप फिश के साथ क्या है, इसके साथ क्या है कि बोनी फिशेस आर फिशेस, और ये दूसरी टाइप है फिश की, ये भी क्या है, ये भी हम कह सकते हैं कि ये फिशेस हैं। अब यहां पे रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल्स स्क्यूमेट्स और ये सारी चीजें क्या हैं, ये एनिमल्स हैं, हम कह सकते हैं कि ये एनिमल्स हैं, और ये फ्रॉग्स वगैरह या फिर नेवल्स वगैरह क्या हैं, ये भी एनिमल्स हैं। तो अगर बर्ड्स की बात की जाए यहां पे, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, ये भी प्री क्या है, इज ए बर्ड, एंड बर्ड का रिलेशनशिप एनिमल के साथ क्या है, कि बर्ड जो है वो भी एक एनिमल है। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये लास्ट वाले जो चीज है, फीदर्स और विंग्स, बर्ड्स के क्या होते हैं, विंग्स भी होते हैं, और विंग्स का कोई रिलेशनशिप और कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। तो एनिमल्स क्या होते हैं, लिविंग लिविंग बींग्स होते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये सारे एनिमल्स जो हैं मैमल्स हैं, मैमल्स जो हैं ये सारे जो जो ये हमें नजर आ रही हैं ये चीजें, ये क्या हैं, एलिफेंट है या इस तरह के जानवर जो हैं वो एनिमल्स हैं। एनिमल्स क्या है, मैमल्स हैं, मैमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं, और एनिमल्स के लिविंग बींग्स होते हैं। और अगर देखा जाए तो ये मैमल्स जो हैं उनके विंग्स नहीं है, क्योंकि इसका रिलेशनशिप विंग्स के साथ नहीं बनाया गया, क्योंकि बर्ड्स के विंग्स होते हैं।
इन रिलेशनशिप से हमें ये जो रिलेशनशिप्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसको हम किस लैंग्वेज से पुकारते हैं कि ये सिमेंटिक नेट्स हैं। ये बेस्ट सिमेंटिक नेट्स की एग्जांपल्स हैं। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस और देख लेते हैं कि सिमेंटिक नेट्स प्रोवाइड्स ए वेरी इंट्यूटिव वे टू रिप्रेजेंट नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह हमने एग्जाम्पल ली है कि एक बर्ड का एनिमल के साथ क्या ताल्लुक है, या फिर एक मैमल का एनिमल के साथ क्या ताल्लुक है, या फिर बर्ड के फीदर होते हैं एनिमल्स के वो नहीं होते, तो ये रिलेशनशिप जो है सिमेंटिक नेट्स हमें प्रोवाइड्स करते हैं इंट्यूटिव वे टू रिप्रेजेंट नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स। यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं इन सिमेंटिक नेट्स के जरिए। और इन्हीं नेट्स को जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे एडवांस लेवल पे यूज करेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगी कि उनके रिलेशनशिप्स क्या बनते हैं। जब हम मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स डिजाइन करेंगे तो उस वक्त ये सारी चीजें यूज होंगी। तो हम अभी जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में सिमेंटिक नेट्स अगर बनाए जाएं तो वो किस तरीके से बनते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में जब हम आएंगे, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट के जो कोर टॉपिक्स हैं उनमें सिमेंटिक नेट्स जब बनाएंगे तो वो किस तरह बनेंगे। तो इन वालेकुम सलाम, जी आपका कोई क्वेश्चन? The data in semantic nets can be reasoned about in order to produce system that have knowledge about a particular domain. तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी कि जो भी semantic net हमने, ये जो इससे पिछले वाली जो स्लाइड थी हमने देखा था कि ये एक पर्टिकुलर डोमेन को जो है वो उसका नॉलेज रख रहा है। ये नहीं है कि हम गाड़ियों की इंफॉर्मेशन इस semantic net में हो, या फिर किसी दरिया की या समुंदरों की हम यहाँ पे उनका नेट बना रहे हैं। हमने स्पेसिफिक एक डोमेन चूज की है जो कि एनिमल्स पे और मैमल्स और एनिमल्स पे यानी कि डिपेंड कर रही है। यानी कि जो उसकी मास्टर क्लास है, आप सुपर क्लास कह लें, जो उसकी बन रही है वो एनिमल बन रही है। यानी कि जिसको, जिस चीज को भी हमने कनेक्ट किया है, फिशेस हों चाहे वो स्विम भी कर सकती हैं जो भी है, लेकिन उसका तारिक ताल्लुक जो है वो किसके साथ, डोमेन हमारा जो है उसके साथ बन रहा है, वो एनिमल है। तो सिमेंटिक नेट्स डू हैव लिमिटेशंस सच एज द इनएबिलिटी टू रिप्रेजेंट निगेशंस। अच्छा, सिमेंटिक नेट्स में एक चीज जो हम नहीं कर सकते उसमें लिमिटेशंस हैं। वो क्या लिमिटेशंस हैं? वो निगेशन की लिमिटेशन है। निगेशंस क्या होता है सर? जी सर, जी जी सर, ये मतलब मेन टॉपिक कौन सा है इसमें? सिमेंटिक नेट्स, सिमेंटिक नेट्स नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। तो फिडो इज नॉट ए कैट, यहाँ पे हम फिडो जो है उसको नॉट ए कैट यहाँ सिमेंटिक नेट्स में नहीं कह सकते। ये निगेशन जो है वो हम नहीं कर सकते। सिमेंटिक नेट्स डू हैव लिमिटेशंस, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, सच एज द इनएबिलिटी टू रिप्रेजेंट निगेशंस। फिडो इज नॉट ए कैट, जिस तरह हम नहीं कह सकते इसको सिमेंटिक नेट्स के अंदर। नोट दैट इन अवर सिमेंटिक नेट वी हैव रिप्रेजेंटेड सम स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। हम सिमेंटिक नेट्स के अंदर किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, सच एज फंग, बॉब एंड फिडो। जिस तरह पहली हमने एग्जांपल ली थी उसमें फंग, बॉब और फिडो को हमने देखा था। फंग जो थी वो एक कैट थी, बॉब एक बंदे का नाम है और फिडो एक डॉग था। एंड हैव आल्सो रिप्रेजेंटेड, और ये चीजें, सारी चीजें हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉब, फिडो और फंग, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, इंडिविजुअल्स हैं।
and have also represented some general classes of things such as cats and dogs. ये एक जनरल जो क्लासेस हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिस तरह एक कैट है, या फिर कैट की डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं, या फिर एक डॉग है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं. तो ये एक एक स्पेसिफिक जो आप कह सकते हैं जनरल एक जो क्लास है उसको ये चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं. The specific objects are generally referred to as instances of a particular class. यहाँ पे हम अगर कंप्यूटर साइंस की जबान में बात करेंगे तो ये जो generally जो objects थे ये हमारे instances of a class हैं. जिस तरह आपने classes का concept C++ में पढ़ा होगा कि उसके हर class के कुछ instances होते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो हम इनको यहां इस लैंग्वेज में क्या रेफर करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स जो सारे हैं जनरली हम उनको कह सकते हैं कि ये इंस्टेंसेस ऑफ ए क्लास हैं. फिडो इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास डॉग. फिडो क्या है? ये एक इंस्टेंस ऑफ द क्लास डॉग है, यानी कि एक डॉग की टाइप हो सकती है फिडो. और एक डॉग की, डॉग को आप ये समझ लें कि सुपर क्लास हम कह लेते हैं, एक जो पेरेंट क्लास है वो कह लेते हैं, और उसकी जो आगे टाइप्स होंगी उनको हम सब क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि फिडो हो सकता है या फिर कोई शेफर्ड हो सकता है, या इस तरह के डॉग की काफी सारी एग्जाम हो सकती हैं. तो बॉब इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास बिल्डर, यानी कि एक बिल्डर है जिसका इंस्टेंस बॉब जो है वो इंस्टेंस है एक क्लास बिल्डर का. बिल्डर जो एक मेन क्लास है, सुपर क्लास है, और उसका एक इंस्टेंस है जो कि बॉब है. एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिमेंटिक नेट्स इज दैट दे कन्वे मीनिंग्स. ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है सिमेंटिक नेट्स का, कि ये आपको कोई मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं. यानी कि आप सिमेंटिक नेट्स को देख के आप बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है. दैट इज टू से द रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स एंड इजेस is the net conveys information about some real world situation. तो हम ये कह सकते हैं कि an important feature of semantic nets is that convey meanings. That is to say, the relationship between nodes and edges in the net convey information about some real world situation. A good example of a semantic net is a family tree diagram. Usually, nodes in these diagrams represents people, and there are edges that represent parental relationships. तो अगर हम बात करें सेमेंटिक नेट्स की, तो उसको हम सिक्स मोस्टली यूज्ड टाइप्स ऑफ सेमेंटिक नेटवर्क्स, जिसमें कुछ ऐसी नेटवर्क्स भी आएंगे जिनको हम आगे चल के हम यूज भी करना है हमने. तो उन छह टाइप्स में से पहली जो टाइप है वो डेफिनेशनल नेटवर्क्स हैं. दीज नेटवर्क्स एम्फेसाइजेस एंड डील्स विद ओनली द सब टाइप और इज ए रिलेशन बिटवीन ए कॉन्सेप्ट टाइप and a newly defined subtype. A producing network is referred to as generalization hierarchy. It supports the inheritance rules for duplicating attributes. Iski jo example hum dekh rahe hain wo ye hai ki aap is example mein dekh sakte hain कि मैमल जो होती है, जिस तरह हम पहले भी एक एग्जांपल ले चुके हैं इसकी, तो ये स्पेसिफिक डेफिनेशनल जो नेटवर्क्स हैं उनकी एग्जांपल भी ये बन रही है कि जो कैट है वो एक कैट इज अ मैमल एंड हैज अ फर, एंड बियर जो होता है वो उसकी भी फर होती है. तो फर हमारी जो है वो एक मैन क्लास बन रही है, जिसको यानी कि कैट का रिलेशनशिप भी उसके साथ है और बियर का रिलेशनशिप भी उसके साथ है. और जो बियर के साथ रिलेशनशिप है
वो मैमल का भी है और फर का भी है, यानी कि बियर के ऊपर फर भी होती है और ये एक मैमल भी है। और अगर मैमल को देखें तो वो एक एनिमल है, फिश भी एक एनिमल है। सो फिश लाइव्स इन वाटर एंड वेल आल्सो लाइव्स इन वाटर। तो वेल क्या है, एक मैमल है, लेकिन फिश एक मैमल नहीं है। वेल के बारे में आपको पता होगा कि ये एक मैमल है। तो वाटर जो है, लेकिन रहती वो वाटर में है। तो फिश और वेल अगर हम समझें कि दोनों एक चीजें हैं, उनमें यानी कि खासियतें सेम हैं, सेम नहीं होती। फिश जो है वो हम एनिमल तो कह सकते हैं, लेकिन वेल जो है उसका रिलेशनशिप पहले मैमल के साथ बन रहा है, फिर एनिमल के साथ बन रहा है। वो एक वेल जो है वो एक मैमल एनिमल है, और रहती दोनों क्या है, वाटर में है। और मैमल्स जो होते हैं वो सारे, उनका वर्टिब्रा होता है, यानी कि वर्टिब्रा जो होता है, रीढ़ की हड्डी इसको हम कह सकते हैं। सर वेल फिश भी तो है कि नहीं? जी वेल जो है वो फिश भी तो है कि? जी वेल एक फिश है, लेकिन एक हमने जनरल एक फिश ली है, वेल को उसको उससे अलग कर दिया है इस एग्जांपल में। तो वेल जो है वो मैमल है जो कि एक वाटर में रहती है। सर सिमेंटिक नेट जो हमारे पास होता है वो तो मतलब जिस तरह हम कहते हैं डायरेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं नॉलेज बेस के लिए, तो यहाँ पे हम मैमल की जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ये किस सेंस में लेके चल रहे हैं कि मतलब जो डायरेक्टली मेंबर्स हैं, या ये कि मतलब किस सेंस में हम ग्राफ को यूज कर रहे हैं? ग्राफ्स में यहाँ पे सिर्फ मैं रिप्रेजेंटेशन बताना चाहता हूँ कि जो आपका सिमेंटिक नेट है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, और उसकी जो टाइप्स हैं उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब सर यहाँ पे मैमल की हम एक जस्ट जनरल एग्जांपल ले रहे हैं सिमेंटिक नेट को समझने के लिए। समझने के लिए यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, तो आगे चल के इसकी कुछ टाइप्स ऐसी आएंगी जो स्पेसिफिक हम, मैं आपको न्यूरल नेटवर्क में लेके जाऊंगा, इसी टॉपिक में ही आए कुछ चीजें। थैंक यू सर। तो अब हमारे पास है assertions networks, designed to assert propositions is intended to state recommendations. Mostly data in an assertion network is genuine unless it is marked with a model administrator. Some assertion systems are even considered as the model of the reasonable structures underlying the characteristics semantic natural languages. यानी कि ये हम अगर assertion network की बात करें तो यहाँ पे characteristics इसकी जो मिलती जुलती हैं वो semantic natural languages के साथ मिलती जुलती हैं। इसकी जो example हमने ली है वो एक paper से ली है, research paper से, कि assertion network research papers में एक protein है और जीन और एम और एन ए, उसका जो डिजीज है, एक ये ब्रेन की एक डिजीज होती है अल्जमीर डिजीज एंड सब टाइप्स, उसकी जो सब टाइप्स बन रही हैं, इस डिजीज के साथ ये पेपर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये एग्जांपल है हमारी, जो कि आप कह सकते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन या फिर कंप्यूटर विजन की एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे प्रोटीन का जो ताल्लुक है अल्जमीर डिजीज के साथ इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन, और जीन और एम आर एन ए इज एसोसिएटेड विद अल्जमीर डिजीज एंड सब टाइप्स। यानी कि ये अल्जमीर डिजीज और उसकी सब टाइप्स जो है वो प्रोटीन का उसके साथ ताल्लुक होता है, और इसी प्रोटीन का ताल्लुक इज कंपोनेंट ऑफ रिलेटेड पैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, जो के रिलेटेड पैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी इस पेपर के अंदर, तो उनके साथ जो प्रोटीन है उसका भी कंपोनेंट है इज इन्वॉल्व्ड इन अल्जमीर डिजीज। और ये सारे जो पैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस हैं ये इन्वॉल्व किसके साथ हो रहे हैं, अल्जमीर डिजीज के साथ हो। अब जो तीसरा प्रोटीन का रिलेशन है
is expressed in related anatomical structures, diseased brain regions. यहां से हमें समझ आ रही है कि जो प्रोटीन का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, यानी कि ये हम स्पेसिफिक एक डोमेन में यहां पे बात कर रहे हैं. ये जो सिमेंटिक नेट हमारा बना है, assertion networks, ये एक स्पेसिफिक एक डोमेन में बना है. वो क्या है? वो हमारी एक डिजीज है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है. तो इस नेट से हमें ये समझ आ रही है कि प्रोटीन जो है वो रिलेटेड है किसी भी जो कंपोनेंट है, जो पैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है उसका भी कंपोनेंट है, और प्रोटीन जो कंपोनेंट है इज एसोसिएटेड विद जो डिजीज है उसकी सब टाइप्स हैं, जो कि ब्रेन की एक डिजीज है उसकी सब टाइप्स हैं, उसके साथ भी इसका ताल्लुक है, उससे भी रिलेटेड है. और जो प्रोटीन है वो एक्सप्रेस्ड इन रिलेटेड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, डिजीज ब्रेन रीजंस, जो ब्रेन के डिजीज रीजंस हैं, यानी कि ट्यूमर्स की टाइप आप समझ लें, जो जहां पे वो रीजन जो आ रही हैं, यानी कि वो डिजीज आ रही है, उसका भी ताल्लुक किससे है? प्रोटीन से हो सकता है, या जीन्स का ताल्लुक हो सकता है. इज ए साइट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, यानी कि ये जो तीनों जो चीजें हैं, प्रोटीन जो है इन तीनों चीजों के साथ कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक बन रहा है, और ये एक सिमेंटिक नेट हमें ये बता रहा है कि स्पेसिफिक डोमेन जो हमारी है इस रिसर्च पेपर के को अगर देखें तो एक ब्रेन की डिजीज है जिसमें ऑथर्स ने ब्रेन डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए ये सब कुछ ये सेमांटिक नेट बनाया है, और उसकी सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करके बताया गया है कि प्रोटीन का इनके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है. अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं इस पेपर को भी. और इसकी जो थियोरेटिकल जो स्टडी होगी उससे आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये डिजीज किस टाइप की होती है और प्रोटीन का उसके साथ क्या ताल्लुक बन रहा है. अब इम्प्लीकेशनल नेटवर्क्स हैं. इम्प्लीकेशनल नेटवर्क्स कौन से होते हैं? यूजेस इम्प्लीकेशन एज द प्राइमरी कनेक्शन फॉर कनेक्टिंग नोड्स. दीज नेटवर्क्स आर ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन द पैटर्न्स ऑफ कन्वेक्शंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नेट को, इम्प्लीकेशनल नेटवर्क को, कि हम कह रहे हैं कि रेनी सीजन है, ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन इसका जो ताल्लुक जाके बन रहा है वो सिर्फ एक चीज के साथ बन रहा है. हम ये के अगर हम कहते हैं कि ये ट्रू है तो फिर इस नेटवर्क का ताल्लुक किसके साथ बन रहा है? रिसेंटली